बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अवैध बालू उठाव और परिवहन को रोक लगाने के लिए आजसू पार्टी रांची जिला वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा के नेतृत्व में बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी को उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग किया है कि यदि अवैध बालू का परिचालन बंद नहीं हुआ तो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। राज्य सरकार को भी चाहिए कि अवैध बालू कारोबार पर नकेल कसे, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि न हो। अब देखने वाली बात होगी कि अवैध बालू का कारोबार कब बंद होता है। सोना न्यूज के लिए बुंडू से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। आप जो देख रहे हैं अवैध ढुलाई बालू की हो रही है, जिसे झारखंड के खनिज संपदा के लूट हो रही है। और मैं बता दूं कि हमारे अनुमंडल क्षेत्र में जो बालू घाटों की सर्वे हुआ, ये करीब 1.5 साल हो गया सर्वे किया हुआ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि इसका बंदोबस्ती नहीं किया गया और अवैध तरीका से बालू का निकासी हो रहा है, जो गलत, सरासर गलत है। और इससे क्या हो रहा है कि बालू की निकासी तो हो रहा है और इसमें कुछ गिने चुने लोगों के पॉकेट में बालू की उगाही का पैसा जा रहा है। इससे सरकार की राजस्व की भी क्षति हो रही है, जो ग्राम सभा में पैसा जाती है वो भी नहीं जा रहा है, जिससे ग्राम सभा की विकास नहीं हो रहा। तो हम लोग यही मांग है सरकार से, आपके माध्यम से, कि जल्द से जल्द बालू घाटों का निवादा निकाल के उसका बंदोबस्ती किया जाए। अन्यथा अगर इस तरह से फिर से दोबारा बालू अवैध तरीके से चलती है तो आजसू पार्टी बुंडू और तमाड़ विधानसभा के पूरे अनुमंडल के आजसू कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएगी और अवैध बालू जब ढुलाई हो रही उसको चलने नहीं देगी। ये हमारे सुप्रीमो का निर्देश है। गिने चुने के मतलब क्या है कि गिना चुने लोगों को मिल रहे हैं? अब जा नहीं सकते हैं, जब सरकार जब इसका टेंडर नहीं हुआ है और बालू अवैध रूप से चल रहे, मतलब सरकार से ही संरक्षण प्राप्त कुछ लोग हैं, उनके निर्देश और उनके आदेश से चल रहे, नहीं तो बालू कैसे चलेगा? अगर बड़े ओहदे वाले नहीं इसमें मिली भगत होगा तो कैसे, जो वही लोग पैसे खा रहे हैं बालू के। मतलब आपकी कहना है कि मिली भगत से चल रही है ये, मिली भगत से सभी अधिकारियों और प्रशासन के देखरेख में, बड़े अधिकारियों के संरक्षण से ही चल रहे हैं, नहीं तो कैसे चलेगा? अवैध तो अवैध होता है।